हेलो दोस्तों, देखो भाभी ना अभी झाड़ू लगा के फिर से अभी पानी पोछ रही थी। यहाँ बारिश हुआ है ना, तो यहाँ से बारिश होता है तो पानी गिरता है, वो पानी लग गया है। इसको सुखा लेती हूँ, फिर उधर से बाहर निकाल लूंगी। हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, अभी तो 3:30 हो रहा है, फिर से भाभी बर्तन धोएंगे, फिर खाना पकाएंगी और मैं उनकी ननद की भांजी हूँ। ननद की भांजी है? हाँ। ये मेरी ननद की भांजी। मैं उनकी ननद की भांजी हूँ। किसकी ननद की भांजी है जी? मेरी मम्मी मेरी ननद लगेंगी। किसकी ननद लगेगी? सबाना भाभी की। अच्छा, तुम मेरी ननद की भाजी हो ना। हमको तो ये पता ही नहीं था, हम समझे मेरी ननद की लड़की हो। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ठीक ठीक, रिश्ता समझ में आ गया। वो देखो मेरी बहन प्याज निकाल रही है। वैसे था, छोड़ दीजिए। और सारा हुआ प्याज था, वो फिका के दूसरा आया नया। और भाभी अब झाड़ू लगा रही थी। ओ भौवा, पंखा ये नानी को देखा, उनका दुपट्टा नानी को देखा, ये देखो दोस्तों वहाँ पे। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, थोड़ा सा कपड़ा मैंने प्रेस किया है और सारा कपड़ा अलमारी में है, अभी निकालूंगी तो वो भी करूंगी। हटो पहले हटो, ये मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो वीडियो में आप लोग बने रहें और देखते रहें मेरा वीडियो। ये फ्रिज के नीचे का भी निकाल लेती हूँ, इधर अलमारी का नीचे का भी निकाल लेती हूँ। मशीन है, वेट दुखने वाला मशीन भी है उसी में। देखते हैं शाम के खाने में क्या बनता है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी बजे हैं 4:15 और मैं बर्तन धो लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। हेलो दोस्तों, आज हमारे इसमें आज आप देखेंगे, आज कल मेरा
अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मैं रोटी बना रही हूँ। सब्जी भी बनाया नहीं है मैंने, अब बनाऊंगी सब्जी, पहले रोटी बना लूँ। सब्जी लेने के लिए गए हैं, पास ही में मार्केट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इसलिए बोली जब तक वो सब्जी लेके आएंगे तब तक मैं रोटी बना भी रहूँगी। और ज़ारा के पापा का तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ आप सब दुआ करिएगा कि ज़ारा के पापा जल्दी ठीक हो जाएं। वो उनके पेट में अचानक से 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, वो पता नहीं दर्द क्यों हो रहा था, डॉक्टर ने बोला है अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो इसीलिए गए हैं वो दवा के लिए। देखते हैं कब आते हैं, आएंगे तो आप लोग बताएंगे। प्लीज़ आप सब उनके लिए बहुत दुआ करिए ताकि वो ठीक हो जाए ज़ारा के पापा। और मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना लूँगी तो ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे कहीं जाना है, वो आप लोग देखते रहेंगे तब पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे बताना तो चाह रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जाने के बाद आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कई दिनों से कहीं गई नहीं थी तो मैंने इनसे बोला कि कहीं ले चलिए, तो ये तैयार हो गए हैं ले जाने के लिए, लेकिन बोले हैं कि 8 बजे के बाद ही कहीं जाना है क्योंकि बाइक से हम लोग जाएंगे और शहर में पड़ता है, शहर में जाना है तो शहर में बहुत सारा गाड़ी का चेकिंग हो रहा है, चलान भी कट रहा है, इस वजह से बोले हैं थोड़ा सा लेट करके जाने के लिए। अभी जाएंगे फिजूल चलान कट जाएगा, बोले ठीक है जब आप बोलेंगे तभी जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तभी देख पाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बड़ा मज़ा आने वाला है, जहाँ भी जाऊँगी बहुत अच्छा लगने वाला है। वीडियो में आप लोग बने रहें, बस मेरे वीडियो में जो कुछ भी कमी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो फ़ोन पे बता दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को, कमी बेसी को सुधार सकूं। मैंने पहले कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाया था इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए, आप सबको इंटरटेन करने के लिए। तो सब्ज़ी आ गया है, सब्ज़ी में आया है भिंडी, नेनुआ, हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, और मैं अभी काट रही हूँ भिंडी, बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। आप लोग देखते रहे मैं कैसे, कितनी आसान तरीके, नेनुआ और भिंडी दोनों आया है तो मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, नेनुआ की सब्ज़ी सुबह बनाऊँगी नाश्ते में। तो मैं भिंडी काट लेती हूँ और मिलती हूँ अभी आपसे सब्ज़ी बनाते हुए। वीडियो पर आप लोग बने रहें, अगर मेरे प्यारे भाई बहन जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये भिंडी एकदम से ख़राब है, ये देखते हैं कैसी है, ठीक है। मैंने ये भिंडी काट ली है, इसकी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और बघाड़ने के लिए मैंने काटा है थोड़ा सा प्याज, मैं थोड़ा सा ही लूँगी और ये सब बाकी मैं इस भिंडी में डाल दूँगी। मैंने थोड़ा सा काटा है हरा मिर्चा और डालेंगे तेल, कड़वा तेल है, सरसों का तेल है, थोड़ा सा ये तेल मैंने डाला है। तेल गर्म होता है उसके बाद सब्जी को डालते हैं तेल में। मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी, आप कैसे बनाते हैं कमेंट बताइएगा ज़रूर। मैं तो ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ऐसे ही सब मेरे घर पे सब लोग खाते हैं। भिंडी भी बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरे घर का तरीका एकदम से सिंपल है, बहुत ही आसान और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, मुझको तो पसंद है इससे सादा सब्ज़ी भिंडी की। और मेरे घर में सभी को पसंद है सालन वाला, सालन खाते हैं सब लोग तल के। मेरा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है ये भिंडी की सब्ज़ी और खाने में भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर वालों को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, इन लोगों को सालन वाला अच्छा लगता है, लेकिन मुझको ऐसे ही सादा सादा सब्ज़ी अच्छा लगता है। ये जब प्याज लाल हो जाएगा तब इसको हम प्याज में डालेंगे भिंडी को। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं हम सब्जी को, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है।
मेरा प्याज लाल हो रहा है। जैसे ही मेरा प्याज लाल होगा भिंडी को इसी में मैं डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ भिंडी की सब्जी बनाने के बाद, आप सब देखते रहिए। मैं इसको लाल होने के बाद आपको बोलती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:30। अभी तक मेरी ननद और मेरे नंदोई नहीं आए हैं, मेरे देवर भी गए थे दवा के लिए। नंदोई का तबीयत है। भिंडी को इसी में, भिंडी और प्याज जो मैंने ये काटा हुआ था उसको ऐसे ही तेल में छोड़ देंगे। और मैं बता रही थी मेरे नंदोई गए थे दवा के लिए, अभी तक वो आए नहीं हैं। मेरी ननद, नंदोई और देवर गए हैं तीनों लोग। देखते हैं कब आते हैं, जब आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे जरूर कि वो आ चुके हैं। उनकी तबीयत के बारे में हम लोग बताएंगे कि वो कैसे हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बस ज़्यादा दुआ करें ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए। मैं सारा धीरे धीरे करके मिला दे रही हूँ सब्जी को कढ़ाई में, चलाती रहूँगी। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नींबू, ताकि उसमें जो रहता है जो चिपकता है वो सही हो जाए, खट्टे की वजह से वो चिपकेगा नहीं। मैं कर लेती हूँ अपने लिए गर्म पानी, यहाँ पानी है, मैं उसको गर्म कर लेती हूँ और ये नींबू डाल के उसको मैं पी लूँगी। खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं, गर्म पानी। वैसे तो मेरा वज़न कम होने वाला नहीं है, ऐसे ही पी लेती हूँ उसको। पता नहीं क्यों कुछ खाती नहीं हूँ फालतू, फिर भी मेरा वज़न नहीं घटता है। लेकिन आएंगे अब कोशिश करूँगी कि मेरा कुछ वज़न घट जाए, मैं घटा के रहूँगी। सब्जी में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से। धीमी आंच पे ही पका लेंगे, नमक को रख देते हैं साइड में और इसे चला देते हैं। पानी भी मेरा पीने लायक गर्म हो गया है, उसको बंद कर देते हैं गैस को। मैंने फिर से ढक दिया, अल्लाह ये तो गर्म हो गया है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें नींबू काट लेते हैं इसी पानी में। मेरा गर्म पानी जो मैं खाना खाने से पहले पीती हूँ और आज भी वही कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को नहीं दिखाती थी क्योंकि पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी, मैं कुछ नहीं दिखाती थी। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, जो करूँगी वही दिखाऊँगी, एकदम रियल रहेगा मेरा जो भी वीडियो बनाएगा, एकदम रियल रहेगा, कुछ भी फेक नहीं रहेगा, कुछ भी बनावटी हमको नहीं दिखाना है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये खाना खाने से पहले मैं पानी पीती हूँ, मैं पी रही हूँ, आप सब देख पा रहे हैं मैं पी जा रही हूँ। थोड़ा सा कड़वा लगता है नींबू का, अब तो आदत हो गया है, पहले नहीं दिखाती थी, अब तो पी लेती हूँ।
उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है मेरा पानी कि मैं पी नहीं पाऊँ, उतना मीडियम है जैसे कि आराम से पी सके, उतना तेज़ गर्म नहीं पी पाया। खत्म हो गया मेरा पानी ख़त्म, अब थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे और फिर टहल लेंगे, आपको दिखाते हैं। ये झाड़ू भी ना लगाता, ये पानी भी नहीं लगाता, ये झाड़ू भी नहीं लगाता, ये पानी भी नहीं लगाता, ये पानी भी नहीं लगाता, ये झाड़ू भी नहीं लगाता, उखाड़ता। हाँ जल्दी जल्दी बड़ी 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 दो बड़ी 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 आज हमारे घर में भिंडी की सब्जी बनी है, तो यही भिंडी का ही है क्या जी? बता भिंडी का टकला नीचे जमीन में पल्ला हो गया। ये है चना का दाल, सास खुलाई है पकौड़ा बनाने के लिए, बोलिए पीस दीजिए दोस्तों, उसी में पीस देंगे पीस के, ये पकौड़ा बनाने के लिए है। और यहाँ मेरा भिंडी की सब्जी लगभग हो चुका है, इसको इसमें डाल के हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसी रहने देंगे, ये गीला ये देखिए ये हो गया दाल, थोड़ा सा इसमें और बचाएंगे, इसको इसमें डालेंगे। सब जरा हरा हरा मिर्च लाइए ना, हरा मिर्च लेकर आइए, हाँ हाँ ग्रीन नहीं, 5-6 ठेले लेकर आइए, थोड़ा सा ज्यादा लेकर आइएगा। हाँ लेकर खुला वाला नहीं, हाँ लेकर आइए, झिल्ली लेकर आइए। अरे हरा मिर्च लेकर आओ ना, जल्दी दो पीस के हटाए हमको। ये मेरी भिंडी की सब्जी बन के तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा नमक उमक सब एकदम अच्छा है, तीखा उतना ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं,
इतना अच्छा बना हुआ है मेरा सब्जी। खैर मोबाइल का कैमरा में अच्छे ना दिखता हो लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये है मेरा खाना रात का, दो रोटी, ये सब्जी और ये आम। भाभी खाना खानी हो और ये आम है, ये आम है और भाभी खाना खा के फिर हम लोग, फिर मैं तो खाना खा ली हूँ, चावल आलू सब्जी भिंडी से रोशनी पड़ता है ना आपका, हाँ मेरे पापा को थे ना भिंडी से ना सबका आँख का रोशनी बढ़ता है, मेरा तो रोशनी बढ़ता है इसलिए मुझको ज़्यादा दिखता है। पहले तो हम अपनी मम्मी का नंबर लगा लेती हूँ अपने से, नहीं उसी तक बिना आपके पापा सही बोलते थे। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सब दोस्तों। आपके घर का नहीं है, मेरे अपने घर पे है, यहाँ नहीं है। और बच्चा भी है छोटा सा और भाभी बनाई थी, अपनी भाभी वीडियो बनाई थी बच्चे को और उसकी मम्मी के ऊपर, बच्चे ना उठ गए थे। करते हैं वीडियो के यही एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, कहानी खत्म।